press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. So firstly, many congratulations. एक नया शो, नया कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है. So what do you have to say? एक नया पैर, fresh पैर. देखो यार, we've known each other for some time now. Yeah. And but for the audience to see us together. जितना भी हो, हर बार एक नया पैर जब आता है, एक फ्रेश पैर आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, नर्वसनेस रहती है. ऑडियंस को भी पता नहीं कि कैसे लगेंगे. हमको तो पता है क्योंकि हमने देखा है फुटेजेस. बट मोर इम्पोर्टेंटली, पैर के बारे में शायद हम लोग कम बात करके हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे विच इज एट हैंड. द स्टोरी इटसेल्फ इज वेरी, वी ऑलवेज नोन दैट टेलीविजन इज नॉट बीन प्रोग्रेसिव इनफ. तो आज हम लोग पहली बार ऐसी एक कहानी ला रहे हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव है. इट इज टू डील विद टुडेज प्रॉब्लम. इट इज टू डील विद अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट. इट इज टू डील विद समथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड बट येट हैव अ कमेंट टू मेक ऑन इट. तो मुझे लगता है कि ये जरूरी था. एंड वीव ब्रॉट फॉरवर्ड अ स्टोरी दैट कैन मूव पीपल्स माइंड सेट अबाउट समथिंग. And we're looking forward to show that. It's all with risks and gains, to be very honest. True. Yes. Right. Show mein apne kirdaar ke baare mein thoda sa bataiye humme. Kitna enjoy kar rahe hain is kirdaar ko. True and true. Aa gaya hu. Okay. Thank you. So, Krishna जो है वो मोहन के सारथी है. एंड शी इज दिस रिस्पॉन्सिबल गर्ल. दिल से बहुत ही अच्छी है. इतनी बोली है कि कभी कभार बहुत ज्यादा बोल देती है. बट दैट डज नॉट मीन दैट शी इज नॉट मच्योर. शी इज लाइक वेरी मच्योर. घर में सबका ख्याल रखती है, पापा के भी ख्याल रखती है. शी इज वेरी हार्ड वर्किंग. कमाती है अकेले. एंड देन शी हैज दिस साइड दैट शी डज नॉट शो हर इमोशंस इतना ज्यादा, यू नो, बिकॉज शी ऑल दैट शी हैज इन हर माइंड इज दैट शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर ब्रदर एंड उसे कुछ बनना आना है. एंड देयर इज दिस बिग सीक्रेट दैट शी डज नॉट नो अबाउट हर ब्रदर, व्हिच इज लाइक द ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट मैटर जो अभी वी वर टॉकिंग अबाउट. सो ऐसे ही स्टोरी जाते हैं. दिस इज कृष्णास कैरेक्टर. शी इज अ स्वीट गर्ल ऑफ कोर्स. एंड सो दिस इज इट इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा. एंड देन व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट द कैरेक्टर, जो मेन जो रीजन है, जो मैसेज जाना चाहिए, कि हम देखते हैं सोसाइटी में इस तरह से ओपनली बात नहीं होती है. Right. इस किरदार में बात हो रही है, लोगों का अभी से रिएक्शन आना चालू हो गया है. एक अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट व्हाट यू सी ऑन एन एवरीडे बेसिस. हम लोग शायद 15 साल पहले की बात कर लूं तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था. पर सिंस देन सोशल मीडिया, इंटरनेट, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज कम फॉरवर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज की है. एंड मोर देन डिस्कसिंग इट, आई थिंक जब आप किसी चीज को एक कहानी बनाकर दिखाते हो तो इंसान उससे ज्यादा जुड़ पाता है. अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो कृष्णा या आर्यमन हो, दोनों का एट द एंड ऑफ द डे सिमिलैरिटी में बता सकता हूं आपको कि दोनों अपनी जिंदगी में किसी ना किसी के साथ ही है. किसी ना किसी के लिए अपनी जिंदगी का जितना भी ड्रीम्स हैं, जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू फॉर देयर फैमिलीज. ब्लड इज थिकर देन वाटर. हम लोग सब इस बात को मानते हैं. और जब खून के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, हम एज पीपल फर्स्ट हमारे खून के लिए खड़े हो जाते हैं. कुछ भी हो जाए, वो चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, सही हो, गलत हो, लेकिन हम खड़े होकर उनका साथ देने की कोशिश करते हैं. बस इसी कहानी में, ये कहानी में हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आर्यमन जैसा कैरेक्टर है, उसने अपने सारे ख्वाब, म्यूजिशियन बनने का ख्वाब हो या फिर जो भी उसको बनना था, जो भी करना था उसको, वो सब छोड़ छाड़ कर वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हो रहा है. कृष्णा भी मोहन के लिए यही कर रही है. तो जब ये दो दुनिया मिलेंगे तब इस कहानी में क्या होगा. इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स मोर, मच मच मोर देन दैट. तो आपको वो देखने को मिलेगा. एंड यू शुड नो एंड वॉच दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेप. एंड यू नो इट्स अ, इट हैज सो मेनी सेक्शंस टू इट. यू नो अनफोल्ड होना बाकी है. काफी सारे स्टोरीज एक ही स्टोरी के अंदर. हम खुद अपने किरदारों को सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी. बहुत सारे लेयर्स. वन सेकंड. थैंक यू. इट्स लाइक कफिंग. सॉरी. वेल, प्रोमो से हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये फुल जेंडर पर लेकर कुछ स्टोरी है. बट
अगर हम प्रोमो की एंडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सास बहू वाला एक थोड़ा सा जस्ट मिल रहा है. सो कई ऑडियंस को ये भी है कि लाइक यू नो एक स्टोरी अच्छी चलते चलते एंड ऑफ द डे ये यहाँ पर आकर एंड होगी नहीं होगी. सो थोड़ा सा आप बता दोगे क्या ये सास बहू वाली जो कहानी है टेलीविजन शोज व्हाट एवरीडे ड्रामा. अब आप सच सच बता दो कि आपके घरों में रोज के ड्रामे नहीं होते. हम सबके घरों में होते है ना. हम सबके जिंदगी में जब प्यार आता है तो हम सबको वो चीजें फील होती हैं जो हमने टेलीविजन में दिखाई है. ये सही है या गलत है बता दो. ये सही है पर हम उस चीज को सिर्फ टेलीविजन में और एनहेंस करके दिखाते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं ताकि उस दिल तक पहुंचे. हम जब मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर किसी के साथ जुड़ा हूं तो हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज बोलने लगते हैं बराबर. थॉट कोई और चल रहा है लेकिन बोले साथ में है. ये हम करते हैं टेलीविजन में. हम गिरते हैं तो किसी और को संभालते हैं पर ये अपना बहुत क्लिशे बना दिया है कि ये ड्रामेटाइज्ड है टेलीविजन है पर दिस इज नॉट व्हाट इट इज. सास बहू जनरली सास बहू का ड्रामा नहीं होता. घर में हर किसी की कलेश होती है बस उसको चीजों को ड्रामेटाइज करके हम दिखाते हैं. अब हम अगर हम एवरीडे ड्रामा दिखा रहे हैं तो उस एवरीडे ड्रामा में हमें वो घरेलू चीजें भी दिखानी पड़ती हैं जो एक्चुअली होती हैं. तो दैट इज व्हाट वी शो ऑन टेलीविजन एंड आई थिंक दिस शो हैज लॉट मोर टू इट देन जस्ट दैट. रिश्ते हैं खून के रिश्ते हैं. फिर जब आर्यमन की अगर घर की बात करूं मैं आपको उसका खून का रिश्ता नहीं है पर फिर भी वो अपनी फैमिली को मान के चलता है. वो लोग दो फैमिलीज को जोड़ के एक साथ चलने की कोशिश करता है. तो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस शो जो आपने बोला वो भी सही है पर मैं उसके बारे में बात नहीं इसलिए करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और समझें अपना एक एनालिसिस बनाए ना कि मेरे शब्दों पर वो रिएक्ट करें. लास्ट क्वेश्चन कृष्ण मोहिनी जब पहला अगर ये नाम सुना तो बहुत बाद में सुना था मैंने कहानी सुनी थी मैंने पहले कहानी सुनी थी. नहीं मुझे एक्चुअली जब मुझे भी पता चला कृष्णा मोहिनी है आई वाज लाइक रियली सैटिस्फाइड विद द नेम बिकॉज बहुत ही अच्छा सुनने को भी आ रहा था. बट देन यू नो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सबको माइथो ही लग रहा था जैसे आपने कहा तो सब काफी क्वेश्चंस आ रहे थे माइथो शो है क्या. फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम कृष्णा फिर दे वर लाइक कि क्या हो सकती है स्टोरीज एंड यू नो बिकॉज कृष्णा का भी एक अवतार है यू नो एज मोहिनी एंड वो भी काफी यू नो पीपल एक्चुअली लव्ड. सो यू नो काफी सारी चीजें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मैच हो रही है यू नो मैच हो रहा है इन लाइक माइथो एंड स्टफ बट देन नथिंग लाइक इट. इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं तो व्हाई नॉट इन रियल एंड व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट. आई मीन कम ऑन डूड बी हैप्पी लिव एंड लेट लिव. सो या सो मेहमान बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर दिया है जो बात माने आप क्या कहना चाहेंगे. ये सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था मैंने कहा कि मेरे नाम बाद में सुना था पहले कहानी सुनी थी. मैं मुझे पता भी था कि हाँ जो कॉम्प्लीमेंट किया था अच्छा सबको साथ लेके इसके लिए तो मैं ये बात कहूंगी यार मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में वही कहा. मैंने कहा पहली बात तो वेरी सॉफ्ट स्पोकन वेरी स्वीट डार्लिंग ऑफ अ पर्सन एंड थोड़ा ज्यादा सोचती है थोड़ा ज्यादा सोचती है पर उसका वो एट्रीब्यूट है. एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर इन द सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉकिंग अबाउट द सीन बिफोर द सीन इज डन एंड वी हैव डन दैट अंटिल नाउ. हम लोग आई थिंक कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है. वी शेयर अ गुड स्क्रीन स्पेस. केमिस्ट्री अच्छी है एंड शी इज अ लवली सिंगर. अगर आप इंटरव्यूज में इसको गाने के लिए बोल दोगे तो मुझे तो मजा आ जाएगा. ये इतनी प्यारी सिंगर है ना कि मैं दिन भर बैठ के इसकी आवाज गाते हुए सुन सकता हूँ इसको. वो मेरे दिल के ताले की चाबी है. दिबात्मा को पूछा ना आपने सॉरी मेरी नहीं कृष्णा को पूछो तो बताओ ये जवाब में. चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच. बता तो दिया मैंने जवाब दे दिया आपको. वो कृष्णा के लिए कृष्णा की चाबी है जो आर्यमन के दिल के चाबी दिल के ताले की चाबी है. देवात्मा जी एक गाना प्लीज
शो के लिए शो शो आए हो कहां से गोली क्यों मैं प्यार लेके यार वो जो तू गाता रहता है वही गा दो क्या कौन सा नहीं पर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वाला गाना जो तू गा जो भी गाना गा दे अच्छा गाती कृष्ण चावे आई डोंट नो आई वाज आस्किंग इट्स लाइक अ बॉलीवुड सॉन्ग ऑफ कोर्स सो इट्स बियॉन्ड एनीथिंग बट इसने मतलब ये इतना सुनता रहता है वो गाना कि एंड गुनगुन करता रहता है द एंटायर टाइम कि अभी यू नो आई आल्सो स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट सॉन्ग एंड देन आई मीन ऑफ कोर्स दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग राजेश किच होए कुर्बान किन मिर्ज़े भी दे गए जान ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखा रहे टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआश के नचावे सीने सारी रात दर्द जगावे एक पल चैन न आवे क्या बात क्या बात थैंक यू सिंगर ये बढ़िया है लेकिन गाना मैं गाता रहता हूँ चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू Spot Boy.